अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टच मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल का IME चेंज करने का ट्रिक बताऊंगा। अगर आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन फेल्ड आ रहा है या आपका मोबाइल PTA से ब्लॉक्ड है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक मुकम्मल वॉच करें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आप ये मेथड नहीं कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल सा तरीका है, इसे बहुत गौर से आपने वीडियो को देखना है और उसके बाद ही आप अपने मोबाइल का IME चेंज कर पाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कोड बताऊँगा जिनकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल का IME 100% चेंज कर पाओगे। अगर आप अपने मोबाइल का IME चेंज करने में किसी किस्म का मसला पेश आ रहा है आपको, तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में रابطہ कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना WhatsApp नंबर दिया है, आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं, आपकी रहनुमाई करूँगा। दोस्तों, आपको वीडियो से कुछ हासिल हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलें शुरू करते हैं। मेरे पास एक क्यू मोबाइल है जिसका मॉडल है X700i। मैं इस मोबाइल का IME चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास क्यू कंपनी का मॉडल है X700। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी अबाउट में। ये देखें जी, क्यू मोबाइल X700i। अभी मैं आपको फुल तरीका बताऊंगा कि वो कोड भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल का IME चेंज कर पाएंगे। दोस्तों, वो तीन कोड हैं, हर मोबाइल में अलग-अलग से वर्क करते हैं, हो सकता है आपकी डिवाइस में कौन सा कोड वर्क करे। तो सबसे पहले इसका मैं आपको इसका IME चेक करवा दूं। ये देखें सर, IME चेक करने के लिए आपने डायल करना है *#06#। ये दोस्तों इसका IME है जो PTA से ब्लॉक्ड है, इसमें सिम वर्क नहीं कर रही। अभी मैं आपको कोड बताता हूँ, कोड आप अपने पास नोट कर लें। सबसे पहला है *#4*634#। दोस्तों ये कोड है, इस मोबाइल में ये कोड वर्क नहीं कर रहा, हो सकता है आपके पास जो डिवाइस है, आपके पास जो मोबाइल है उसमें ये कोड वर्क करे। दूसरा कोड है *20121220#। ये कोड भी इस डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा, इसको भी आप अपने नोट कर लें। और तीसरा जो कोड है *#*36466#33#*#*#*, ये कोड इस मोबाइल में वर्क कर रहा है। अगर आपके मोबाइल में तीनों कोड वर्क नहीं करते तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको एप्लीकेशन भी बताता हूँ। अगर आपकी डिवाइस में कोड वर्क ना करें तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिलेगी। उसे डाउनलोड करने के बाद आप उस एप्लीकेशन के ज़रिए भी ये सेटिंग ओपन कर सकते हैं। ये मोबाइल MTK का इंजीनियर मोड है। दोस्तों, एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारा MTK की डिवाइस के लिए, जो भी MTK के मोबाइल होंगे, आप किसी कंपनी का हो, उनमें ये 60-70% मोबाइलों में ये मेथड फुल वर्क करेगा। अभी दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये कोड डायल करें *#*36466#*33#*#*. अभी हमारे पास ये जो ओपन हुआ है ये है इंजीनियर मोड। इंजीनियर मोड के अंदर आपने कनेक्टिविटी को खोलना है। कनेक्टिविटी के अंदर CDS इंफॉर्मेशन है,
हम इस सीडीएस इंफॉर्मेशन को ओपन करते हैं। सीडीएस इंफॉर्मेशन के अंदर रेडियो इंफॉर्मेशन, इस रेडियो इंफॉर्मेशन को आपने ओपन करना है। अभी ये सिम वन, फोन वन और फोन टू, ये फोन वन को ओपन किया। यहाँ आ गया है 80+, 80+ को आप यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ आपने टाइप करना है कैपिटल के अंदर ई। जब आप ई ओपन करें, ई डायल करेंगे, तो ये नीचे मज़ीद कुछ चीज़ें खुल के आई हैं। सबसे पहले आपने इस वन पहले वाले को सिलेक्ट करना है। अभी देखें दोस्तों, ध्यान करें, सेवन और कॉमा के एंड में है चार मज़ीद ऊपर की तरफ कॉमे। इन चारों के दरमियान में दो कॉमे इस तरफ और दो कॉमे उस तरफ। यहाँ पे आप इनको दोबारा भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से ख़त्म करके आईएमई डालने के बाद भी इनको लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए चार, ये चार कॉमे हैं, दो कॉमे आईएमई के उस तरफ आएंगे, दो कॉमे आईएमई के एंड में आएंगे। इनके दरमियान में हम अपना आईएमई टाइप करेंगे जो हम इस डिवाइस को लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये फर्जी एक आईएमई लगा के बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, ये 15 हिंसों का आईएमई, 15 हिंसों का होता है ये, 15 हिंसों का आईएमई मैंने इसमें अब लगा दिया है। आईएमई डालने के बाद आप इसको सेंड एट कमांड पे क्लिक करेंगे। सेंड एट कमांड पे क्लिक किया तो इस, ये बता रहा है दिस कमांड इज नॉट अलाउड इन यूजर वर्ल्ड। तो आपके पास कोई इस किस्म का एरर आए या कोई और भी आए तो आपने परेशान नहीं होना, इसको हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद 80+ है ना, जो 80 के बाद प्लस है, प्लस के बाद आपने एक स्पेस का इजाफा करना है। यहाँ पे ये मैंने स्पेस लगा दी। अब आपने इसको सेंड एट कमांड करना, अभी ये ओके हो गया, ये कमांड ओके हो गई। इसको अभी हम बैक चले जाएंगे, बैक आके सेम यही मेथड आपने फोन टू में करना है। यहाँ भी आप ई कैपिटल में प्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ आपने खास ख्याल करना है कि हमने पहले आईएमई डाला है फर्स्ट वाले में, अब दूसरा आईएम डालेंगे हम सेकंड वाले में, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसमें भी सेम उसी तरह आपने कॉमो के सेंटर में आईएमई डालना है। इसमें हम डालेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, ये 15 हिंसों का आईएमई मैंने इसमें डाल दिया। इसको भी आप स्पेस डालेंगे यहाँ पे। अभी सेट एट कमांड, ये भी सेव हो गया। अभी ये सारा मेथड करने के बाद आपने अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट करना है। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना भूल गया, पहले मैंने इस मोबाइल का पहले भी इस पे मैंने किया है, तो मैं सॉरी कि मैंने आपको वो बताना भूल गया। सबसे पहले ना आपने सेटिंग में जाके, यहाँ से सेटिंग, अपनी डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। अगर आप डेवलपर ऑप्शन को ऑन नहीं करेंगे, ये इसकी डेवलपर ऑप्शन पहले से ऑन है, इसलिए हमें कोई मसला पेश नहीं आया, हमने आईएमई को कर लिया है। अगर आप डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं करेंगे तो आपका आईएमई चेंज नहीं हो पाएगा। तो अभी सारा प्रोसीजर करने के बाद अब हम इसको रिस्टार्ट करेंगे, रिबूट करेंगे। ये मैंने इसको रिबूट किया, फिर मैं आपको आईएमई चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये जो अब हमने इसमें आईएमई लगाया है वो सेव हो चुका है। ठीक है दोस्तों,
अभी अगर आपके पास ये तीनों कोड वर्क नहीं करते तो आपने करना ये है कि आपने प्ले स्टोर में से MTK इंजीनियर मोड ये ऐप आपने इंस्टॉल करनी है। मैंने इंस्टॉल की हुई है, पहले मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप MTK के सेटिंग, ये इसमें इंजीनियर मोड ओपन होगा। ठीक है फ्रेंड, अभी दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, शुरू से एक दफ़ा हो सकता है आपके पास कोई मिस्टेक आई हो, मेरे पास तो आई है। आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है, वहाँ से डेवलपर ऑप्शन ऑन करनी है, उसके बाद आपने कोड लगाना है और इंजीनियर मोड को ओपन करके फिर आपने ये सारा मेथड अपने मोबाइल पर करना है। अगर आपका इंजीनियर मोड ओपन नहीं होगा आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।